आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हमें मिनरल्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, ये सब चीजें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स से। मिनरल्स होमोजेनियस होते हैं, मतलब कि अंदर से बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं, अंदर से बिल्कुल एक जैसे होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइनेबल होता है और ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। मतलब हार्डेस्ट मिनरल भी होते हैं और सॉफ्टेस्ट मिनरल भी होते हैं। हार्डेस्ट का एग्जाम्पल डायमंड और सॉफ्टेस्ट का टॉप। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स पाए कैसे जाते हैं? तो मिनरल्स जनरली ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होता है? जब एक जगह पे मिनरल और उसके साथ कोई और मिनरल या फिर कोई और एलिमेंट मिक्स हो जाए तब हम उसे ओर बोलेंगे। अब तो मिनरल्स हमें जनरली पांच तरीके से मिलते हैं। एक तो इजीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। इसमें क्या होता है? क्रैक्स, सर्विसेस, फॉल्ट, ज्वाइंट्स, जब पहाड़ों पे कुछ टाइप के क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, वहां पर डिपोजिशन होने लगती है मिनरल्स की, जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त, ठीक है। अगर वो छोटी सी क्रैक है तब हम उसे वेन बोलेंगे और अगर वो बड़ी सी क्रैक है तब हम उसे लोड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक और इजीनियस रॉक में जनरली हमें टिन, कॉपर, जिंक और लेड जैसे मिनरल मिलते हैं। डिपोजिशन सेडिमेंट्री रॉक पर होने लगे, तो सेडिमेंट्री रॉक पर डिपोजिट होते हैं आयरन, जिप्सम, कोल, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, इन टाइप की मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक पर डिपोजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स और बेड्स, जिसे हम लेयर्स भी बोल सकते हैं और बेड्स भी बोल सकते हैं। अब जो तीसरा मेथड है हमारा, वो सरफेस रॉक पर जब डिपोजिशन होता है तब हमें मिनरल मिल सकते हैं। सरफेस रॉक पर डिपोजिट होते हैं हमारे बॉक्साइट, जिसे आगे चल के एल्यूमिनियम भी हम बनाते हैं, और जैसे लाइक ये एक सरफेस रॉक है, इस पर डिपोजिट होते रहेंगे और अगर इसमें बहुत थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो बाद में चला जाएगा और उससे हम बॉक्साइट निकाल सकते हैं और उससे बाद में हम एल्यूमिनियम भी बना सकते हैं। फोर्थ मेथड है हमारा एलुवियल डिपोजिट। इसमें क्या होता है? पहाड़ से जो पानी आता है वो मिट्टी को भी साथ में लेकर आता है, राइट, मिट्टी को, और फिर वो नदी के किनारे थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, राइट, तो वो उसे हम एलुवियल मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो उसी सॉइल में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, इस टाइप के। और जो फिफ्थ मेथड है हमारा, वो है ओशन वाटर्स में। ओशन वाटर में बहुत जितने भी टाइप्स के आपके सॉल्ट हो सकते हैं, उतने टाइप्स के सॉल्ट ओशन वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ओशन से मिनरल नहीं निकालते हैं क्योंकि ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उतने की तो मिनरल भी नहीं आएगी। ओके, तो पांच तरीके से हमें मिनरल मिलता है। पहला इजीनियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से, और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक से, राइट, फिर तीसरा सरफेस रॉक से, फिर चौथा एल्यूवियल डिपोजिट से, फिर पांचवा ओशन वाटर से, जिसे हम निकालते नहीं हैं। तो अगर हम जिससे निकालते हैं तो हमें चार ही तरीके से मिनरल मिल सकते हैं। रैट होल माइनिंग, चूहे का बिल, राइट, रेट होल मतलब चूहे का बिल। तो चूहे की बिल के टाइप की एक सुरंग खोदी जाती है और वहां से मिनरल निकाला जाता है, लोग उसके अंदर जाते हैं और मिनरल निकालते हैं। हाँ, तो एनसीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ने डिक्लेयर किया है इसे इलीगल इंडिया में, क्योंकि पता नहीं है ना कि कैसे क्या हो जाए, इसके अंदर बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, इस वजह से इंडिया में ये चीज इलीगल है। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ते हैं, इस स्लाइड में नहीं, अगली स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स तीन टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। का नेचर मेटेलिक हो उसे हम मेटेलिक मिनरल बोलते हैं, और नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल ना हो उसे हम नॉन मेटेलिक बोलते हैं, या फिर जिनका नेचर नॉन मेटेलिक हो उसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल बोलते हैं। एनर्जी मिनरल्स जो हमें एनर्जी दे सकते हैं उन्हें हम एनर्जी मिनरल्स बोलते हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स में भी तीन टाइप्स के हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। फेरस जिसमें थोड़ी बहुत अमाउंट आयरन की भी मिक्स हो उसे हम फेरस मेटेलिक मिनरल बोलेंगे, जैसे कि आयरन और मैंगनीज। नॉन फेरस जिसमें आयरन बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, जैसे कि कॉपर, लेड और टिन। प्रीशियस मिनरल जिसे ज्वेलरी बनाई जाती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। अब नॉन मेटेलिक मिनरल को हम देखते हैं तो जैसे माइका, सॉल्ट, पोटैश, जिनका नेचर नॉन मेटल की तरह होता है। एनर्जी मिनरल जिससे थोड़ी बहुत हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आयरन के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि आयरन जो होता है वो बैकबोन होता है इंडस्ट्रीज के लिए। अब कुछ टाइप के भी आयरन होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट, इसमें 70% आयरन मिलता है। हेमाटाइट जिसमें 60% मिलता है, जो कि इंडिया में अच्छा खासा पाया जाता है।
70-60% पाया जाता है। ठीक है, लिमोनाइट जिसमें 40% तक ही, 40-60% तक ही आयरन होता है, सिडराइट जिसमें 40 या फिर उससे भी कम हो सकता है, मैग्नेटाइट जो कि सबसे अच्छा है ये इलेक्ट्रिक के यूज में आता है, हेमेटाइट इंडस्ट्रीज के यूज में आता है। अब इंडिया में भी अच्छे क्वालिटीज के ओर मिल जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में, बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये बस्तर और चंद्रपुर छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है और कुछ महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट में आयरन मिलता है, आयरन ओर मिलते हैं, और कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट बेलरी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, ठुमकुर बेल्ट में मिल जाता है। महाराष्ट्र और गोवा की बेल्ट में कुछ, गोवा के डिस्ट्रिक्ट और रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट को मिला दें तो वहां पर हमें आयरन कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हमें आयरन देखने को मिलता है, उड़ीसा और झारखंड बेल्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, 5 जगह। ठीक है, मैंगनीज, दूसरा फेरस मिनरल, ठीक है, ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स में भी इसे मिलाया जाता है। उड़ीसा जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का इंडिया में। ठीक है, कॉपर मैलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, गुड कंडक्टर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, और कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक यूजेस में भी होता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है। अब ये मिलता कहाँ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश की लागत माइन, खेतरी माइन, राजस्थान की सिग्बम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड की, यहाँ पर हमें कॉपर्स मिल जाते हैं। तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। झारखंड में कहाँ क्या मिलता था, आयरन भी मिलता है और कॉपर भी मिलता है। ओके, बॉक्साइट, बॉक्साइट एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एल्यूमिनिया बनाता है और फिर वो बाद में एल्यूमिनियम भी बनता है। एल्यूमिनियम आपको पता है एक इंपॉर्टेंट मेटल है जो कि गुड कंडक्टिविटी होती है उसके पास और मेलिएबल भी होता है। मतलब अब इंडिया में बहुत ज्यादा बॉक्साइट तो नहीं पाया जाता है, बट जहां पाया जाता है वो है अमरकंटक प्लेट्यू में और माइकल हिल्स में और बिलासपुर कटनी प्लेट्यू रीजन में हमें बॉक्साइट मिलता है। ओडिशा में भी बॉक्साइट हमें देखने को मिलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़कर आए हैं, अब इसमें हमें दो ही पढ़ना है, माइका और लाइमस्टोन। तो माइका लेयर्स में पाया जाता है जिसे हम प्लेट्स या फिर लीव्स बोलते हैं। अब ये कहाँ पर हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि उसका कलर कैसा है, क्लियर है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, येलो है या फिर ब्राउन है। माइका एक इंडिस्पेंसेबल मिनरल है, अगर हम चाहें फिर भी अपनी जिंदगी से नहीं हटा सकते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रिक यूज में होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है, जो मेकअप में शिमर आता है वो भी माइका की वजह से ही आता है, मतलब की मेकअप इंडस्ट्रीज में भी होता है। माइका की माइनिंग रेट होल माइनिंग करके, मतलब कि इलीगल तरीके से बच्चों को अंदर डलवा कर होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू लेडिंग प्रोड्यूसर है माइका का, और कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, यहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है माइका। अजमेर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर माइका बेल्ट पर भी प्रोड्यूस होता है माइका। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, और लाइमस्टोन का बहुत ज्यादा वेट होता है, इसी वजह से सीमेंट इंडस्ट्रीज मोस्टली वहीं पर रखी जाती हैं जहां पर लाइमस्टोन प्रोड्यूस हो सके। लाइमस्टोन हमें मोस्टली उसी रॉक्स पर मिलता है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक साथ मिले, और इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है राजस्थान। अभी तक जियोग्राफी में जितने भी रिसोर्सेज हम पढ़कर आए हैं सबके कंजर्वेशन मेथड हमने देखे हैं, तो अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, मिनरल्स को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हमें मिनरल्स को बचाना क्यों है? तो हमें मिनरल्स को इस वजह से बचाना है क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत ही कम मिनरल्स हैं। अर्थ क्रस्ट पे जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं सिर्फ 1% ही वो है मिनरल्स, बाकी सब कुछ और चीजें हैं। ठीक है, दूसरा रीजन हमें क्यों मिनरल्स को बचाना है, क्योंकि जो मिनरल फॉर्मेशन का टाइम है वो बहुत ज्यादा है, मिनरल्स को फॉर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लेकिन उसका कंजप्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, हम ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं। तो मिनरल्स रिसोर्सेस फाइनाइट हैं, एक लेवल तक हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो बहुत दिन बाद हमें मिलेंगे, बहुत दिन बाद मतलब जनरेशन के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो हमें मिनरल्स को बचाना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी पता रहे कि मिनरल्स होता क्या है, वो भी देख सकें। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो हम मिनरल रिसोर्सेस को प्लान कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए और सस्टेनेबल मैनर से यूज करने, मतलब कि हाँ हम यूज भी करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा भी रहे, मतलब कंजूसी करके यूज करना चाहिए यार। ठीक है,
और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा कम हैं या फिर वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, तो फिर हम उस मिनरल्स को नहीं निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट कम लगे और हमें मिनरल मिल जाए, ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। जैसे कि ओशन वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो अगर उसमें से हम मिनरल निकालेंगे तो बहुत ही कम मिनरल हमारा निकलेगा लेकिन पैसा हमारा बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी होनी तो चाहिए यार। और तीसरा जो है कि हम मेटल्स को रिसाइकल कर सकें, एनर्जी रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो बर्न करके हमको कुछ एनर्जी दे, उन्हें हम एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। एनर्जी कुकिंग में भी लगती है, लाइट जब आती है तब भी लगती है, हीट प्रोवाइड करनी हो तब भी एनर्जी लगती है, तो कई टाइप्स की एनर्जी होती है। अब एनर्जी हमें किन किन मिनरल से मिल सकती है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और भी बहुत सारे। एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो बहुत पहले से यूज होते आ रहे हैं, जो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि फायर वुड, कैटल डंग, केक, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो अभी इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अभी यूज नहीं किए जा रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन टाइप्स की एनर्जी। तो कोल जो कि बहुत कॉमन है, फॉसल फ्यूल है, ये सेडिमेंट्री रॉक पर पाया जाता है, इसका यूज होता है पावर जनरेट करने के लिए और उस एनर्जी को इंडस्ट्रीज में सप्लाई भी किया जाता है और इसका यूज डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी होता है। तो कोल बनता कैसे है, मिलियन बिलियन साल पहले जब तुम चले जाओ तो जो पेड़ कटकर गिरे होंगे, ठीक है, जानवर मरे होंगे, उनके ऊपर बहुत सारी सॉइल आ जाती है, जब वो दबाव डालती है तब कोल बनता है। अब कोल टाइप्स देख लेते हैं, मतलब कोल के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। तो सबसे पहले हम पीट के बारे में देखते हैं। पीट में लो कार्बन होता है और बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, इसी वजह से इसमें जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो भी लो होती है। अब हम लिग्नाइट के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी लो होता है, लेकिन ये ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है और इसमें भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसी वजह से इसमें भी हीटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। और बिटुमिनस ये बहुत ही नीचे पाया जाता है, ठीक है, और इसका यूज कमर्शियल पर्पस के लिए होता है और ये अच्छा खासा अच्छा होता है। अब हम पढ़ते हैं एंथ्रासाइट के बारे में। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल माना गया है। ओके, अब हम कोल में गोंडवाना डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गोंडवाना डिपॉजिट की कोल होती हैं, उनकी जो एज होती है वो 200 मिलियन ईयर्स होती है और ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होते हैं, इनके अंदर सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। और ये मिलते कहाँ हैं, तो रिवर वैली, दामोदर वैली और महानदी वैली में मिलते हैं। मेजर स्टेट के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में गोंडवाना डिपॉजिट के कोल मिलते हैं। तो अब हम कोल की टर्शरी डिपॉजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टर्शरी के जो कोल होते हैं उनकी एज 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड होती है और इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और बहुत ज्यादा सल्फर होता है। अगर स्टेट में बात करें तो फिर असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ऐसे टाइप के कोल मिलते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ कोल भी देख लिया और कोल के डिपॉजिट्स भी देख लिए, गोंडवाना डिपॉजिट्स और टर्शरी डिपॉजिट्स। तो अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानने वाले हैं। पेट्रो जो वर्ड है उसका मतलब होता है रॉक और लियम का होता है ऑयल। तो जो ऑयल रॉक से निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम और ये हीट प्रोवाइड करता है। इसे हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर लिक्विड पेट्रोलियम है तब हम उसे क्रूड ऑयल के नाम से जानेंगे, अगर पेट्रोलियम गैस है तब हम उसे नेचुरल गैस कहेंगे, और अगर पेट्रोलियम सॉलिड है तब हम उसे टार, पिच या फिर बिटुमिन कहेंगे। ओके, अब हाँ, तो पेट्रोलियम मिलता कहाँ कहाँ पे है, मुंबई, गुजरात और असम। असम में 16% तक मिल जाता है, गुजरात में 18% और बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मिलता है हमें मुंबई की तरफ। ओके, अब नेचुरल गैस भी हमने देखा कि अगर पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में हो तब हम उसे नेचुरल गैस बोलेंगे, राइट। तो वही नेचुरल गैस डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज होती है और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होती है। अगर वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रही है तब हम उसे पीएनजी बोलेंगे, पाइप्ड नेचुरल गैस, और अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तब हम उसे सीएनजी बोलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस मिलती कहाँ पे है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पे मिल जाती है, मुंबई हाई और गल्फ ऑफ बॉम्बे, अंडमान एंड निकोबार आईलैंड। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज्यादा यूज है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है कितना ज्यादा यूज है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से जनरेट की जाती है, वाटर से और कोल से। वाटर की इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और कोल की इलेक्ट्रिसिटी को हम थर्मल पावर बोलते हैं। तो
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, डैम को क्लोज कर दिया जाता है, मतलब उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर टरबाइन पर बहुत ही तेज से वाटर को छोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी मिलती है उसे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और कोल जिसे हम थर्मल पावर बोलते हैं उसे जलाते हैं, तो हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब बनती है हमारी थर्मल पावर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स या फिर एटॉमिक एनर्जी। तो ये हमें मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जो एटम है यूरेनियम और थोरियम, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है और ये अवेलेबल होता है झारखंड में और राजस्थान के अरावली रेंजेस में। पढ़ेंगे वाइंड एनर्जी के बारे में, तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, और भी बहुत जगह इंपॉर्टेंट वाइंड फार्म है जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। सोलर एनर्जी, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पर ये सोलर एनर्जी और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी क्या करती है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है फ्री की, मतलब हाँ फ्री ही होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। ओके, सोलर एनर्जी रूरल एरियाज में तो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। बायोगैस, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, ये सब प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, ठीक है। बायोगैस प्लांट जो कि कैटल डंग का यूज करते हैं उन्हें हम गोबर गैस प्लांट बोलते हैं, और ये जो बायोगैस है ये दो टाइप के बेनिफिट देता है, एक तो अच्छे मेन्यूर और दूसरा एनर्जी। ओशनिक टाइड्स को जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के यूज में लाने लगे तब हम बोलते हैं उसे टाइडल एनर्जी। गल्फ ऑफ कंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, इन गुजरात में टाइडल एनर्जी का अच्छा खासा यूज होता है। अब हम जियोथर्मल एनर्जी पढ़ लेते हैं, तो जो अर्थ के नीचे मतलब जमीन के नीचे जितनी भी हीट है उसको हम यूज करने लगे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए, तब हम उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे। अब कुछ अर्थ के पार्ट होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, ठीक है, तो उनका ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसमें से स्टीम निकल रही होती है, वो इतना ज्यादा गर्म होता है, तो उस स्टीम टरबाइन को घुमाए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करें, राइट। जियोथर्मल एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए दो प्रोजेक्ट इंडिया में सेटअप किए गए हैं, पर्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और पुगा वैली इन लद्दाख। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर किसी भी कंट्री का तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए तो एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि अगर कंट्री का डेवलपमेंट होना है तो इंडस्ट्रीज बनेगी, इंडस्ट्रीज बनेगी तो एनर्जी तो चाहिए। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि एनर्जी को हम सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, एनर्जी को कंजर्व करें मतलब बचाएं, और हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करें, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, राइट। अब कुछ चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए अपने एनर्जी रिसोर्स को बचाने के लिए, जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करें, इंडिविजुअल व्हीकल्स को ज्यादा यूज ना करें, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज जहां पर नहीं है तो उसे स्विच ऑफ कर दें, पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करें, और लास्ट में वही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करें। आई होप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, और हाँ कहीं कहीं पे मिस्टेक्स भी हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो उसे करेक्ट करना ना भूलिएगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको मिल जाए। ओके, और लास्टली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है क्लास 10th के लिए।